हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, करीब 8 बज रहे होंगे और अभी मैं अपने बाथरूम में आई हूँ। जितने भी गंदे कपड़े हैं उन सभी गंदे कपड़े को लेकर सभी को निरमा पानी में यहाँ पे दे दे रही हूँ फूलने के लिए। कम से कम एक आध घंटे ये अच्छे से निरमा पानी में फूल जाएंगे, तो इसको मैं आके धो दूँगी और उसके बाद में सुखा लूँगी। हफ्ते भर से हमारे यहाँ बारिश हो रही थी तो धूप हो ही नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने कपड़े बहुत सारे कपड़े इकट्ठे करके रखे हुए थे धोने के लिए, क्योंकि धोने से कोई फ़ायदा ही नहीं था क्योंकि धूप हो ही नहीं रहा था, लगातार बारिश हो रहा था। तो इसलिए सभी कपड़ों को मैंने जमा करके रखा हुआ था। कम से कम ये दो से तीन दिन के कपड़े होंगे ये। तो अभी तो फ़िलहाल 2 बाल्टी के करीब मैंने कपड़े दे दिए हैं फूलने के लिए निरमा पानी में, और उसके बाद में कुछ कपड़े अभी भी बाकी है धोने के लिए, तो उसको मैं बाद में धोऊंगी। एक ही बार में सभी कपड़े धोना पॉसिबल नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी को एक कपड़े जमा करके बहुत सारे कपड़े हो ही जाते हैं धोने के लिए। तो सभी कपड़े को निरमा पानी में भिगो देने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो पोछा लगाने से पहले मैं यहाँ पर अलमारी को थोड़ा सा गीले कपड़े से अच्छे से पोछ ले रही हूँ, ताकि इसके जितने भी धूल है जमे हुए वो सभी धूल निकल जाए। और यहाँ पे 2 से 3 दिन के अंदर में मुझे इसको साफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि सीधे दरवाज़ा के सीधे सामने पे है, तो इससे डायरेक्ट धूल उल आके जम जाते हैं इसके ऊपर। तो इसलिए इसको अच्छे से 2-3 दिन में साफ करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं गीले कपड़े से एक बार अच्छे से इसको पोछ ले रही हूँ, उसके बाद मैं एक बार सूखे कपड़े से भी पूरा अच्छे से पोछ लूँगी। तो अलमारी को मैंने गीले कपड़े से साफ कर लिया है और अब बारी है पोछा लगाने की। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा ले रही हूँ, और पोछा लगाने में जितना देर लगेगा उतनी देर में जितने भी मैंने कपड़े दिए हैं निरमा पानी में फूलने के लिए वो अच्छे से फूल गए हैं। तो उन सभी कपड़ों को मैंने धो के ले आई हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे मैं सभी कपड़ों को दे दे रही हूँ धूप में सूखने के लिए। और आज धूप बहुत ही अच्छा है, और पिछले एक हफ्ते से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि धूप के तो दर्शन ही नहीं हुए थे, तो कपड़े कहाँ से सूखेंगे। इसलिए जो थोड़े बहुत रेगुलर यूज वाले कपड़े होते थे वही सब कपड़े सिर्फ धोते थे, और उसके बाद में बाकी बात कपड़े को मैंने नहीं धोया था। तो अभी सभी को धो के यहाँ पे सूखने के लिए दे दी हूँ, और नहा के आ गई हूँ और बालों को यहाँ पे कंघी कर रही हूँ। और बारिश के चलते जब कपड़े नहीं धुल रहे थे तो एक ही बार में बहुत सारे कपड़े जमा हो गए, जिसको धोने में हालत भी ख़राब हो गई। तो कपड़े तो धोने में हालत ख़राब हुई, उसके साथ साथ कपड़े को सुखाने में भी एक टेंशन हो गया कि कहाँ कहाँ पे कपड़े को दे सूखने के लिए। तो जहाँ जहाँ जगह मिला वहाँ पे तो दे दिए कपड़े को सूखने के लिए। और अभी अपने बालों को भी कंघी करके चोटी बना ले रहे हैं, नहीं तो फिर बाद में समय भी नहीं मिलता है बालों को कंघी वगैरह करने के लिए, क्योंकि घर में इतने सारे काम ही रहते हैं कि उन सभी कामों में इन सब की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। तो अभी आ गई हूँ किचन में, और दूध गर्म करना है तो अभी दूध को छान के मैं गर्म होने के लिए दे दे रही हूँ। और कुछ बर्तन है धोए हुए, तो उन सभी बर्तनों को मैं बर्तन स्टैंड में लगा के रख दे रही हूँ, ताकि सभी बर्तन अपने जगह पे व्यवस्थित रहे। दूध को गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दिया है और आँच को कम कर दिया है, और इधर मैं सभी बर्तनों को स्टैंड में लगा दे रही हूँ। और कुछ पानी गिर गया था तो उसको मैं पोछा लगा के साफ़ कर ले रही हूँ। तो इतने में मेरा दूध गर्म हो गया है, तो उसको मैं बंद कर दी हूँ गैस, और साथ ही साथ मेरा बर्तन स्टैंड भी बर्तनों से अच्छे से सजा लिया है। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, और अभी मैं शाम के टाइम का झाड़ू लगा ले रही हूँ पूरे घर को, और घर को झाड़ू कर लेने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर में झाड़ू करने के लिए। तो बाहर भी झाड़ू लगा ले रही हूँ, और उसके बाद में झाड़ू का काम जो है शाम का वो मेरा निपट जाएगा। तो उसके बाद में
मैं सभी कपड़ों को अंदर करूंगी और सभी कपड़ों को अंदर करने के बाद में मैं सभी कपड़ों को, जो भी कपड़े सूखे हुए हैं उन सभी कपड़ों को मोड़ के रख ले रही हूँ, और जो सूखे हुए नहीं है उसको मैं अंदर रूम में रस्सी में दे दूंगी सूखने के लिए, तो वो सभी कपड़े सूख जाएंगे। और हम जैसी औरतों का जो हाउसवाइफ है उन सभी का यही सब काम करते करते कब सुबह से लेकर शाम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे जितने भी सूखे कपड़े हैं उन सभी कपड़ों को मैं फोल्ड करके रख ले रही हूँ। और अभी मुझे बर्तन धोने हैं तो मैंने बर्तनों को निकाल लिया है, और यहाँ पे मुर्गियों को मैंने दाना दे दिया है तो यहाँ पे वो लोग दाना चुग रही हैं, और उसके बाद में मैं यहाँ पे बर्तन धोने की तैयारी कर रही हूँ। तो इन सभी कामों को निपटा लेने के बाद अब समय आ गया है थोड़ा सा चाय पी लेने का। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ शाम के टाइम का, तो चाय बना के पी लेने के बाद में शाम के खाने की तैयारी भी करना है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है और उसको मैं अभी कप में निकाल ले रही हूँ, और उसके बाद में चाय को पी लेने के बाद में खाना बनाने की तैयारी में भी लग जाऊँगी। तो यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो आज मैं भिंडी की भुजिया बना रही हूँ। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया था तो इसमें मैंने मिर्चा और जीरा डाल दिया है, और प्याज को डाल के इसको भून लेने के बाद में भिंडी को डाल देना है, और भिंडी डालने के बाद इसमें नमक और हल्दी डाल के भिंडी का भुजिया बना लेना है। तो आटा भी मैंने पहले से लगा के रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक साइड भिंडी का भुजिया बनाऊंगी और दूसरे साइड तवा चढ़ा दे रही हूँ, और उसमें मैं गर्मा गर्म रोटियाँ सेक लूँगी। तो यहाँ पर मैं बस सिंपल सी भिंडी की भुजिया और रोटी बना रही हूँ आज के डिनर के लिए। तो उसी के साथ ही मेरा आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आप मेरे वीडियो से अपनापन महसूस किए हों, मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।